नमस्कार, मैं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं YouTube के अनुपम ज्ञान चैनल पर यह वीडियो जिसमें एक व्यंग्यात्मक कविता जिसको मैंने खुद लिखा है आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है बस जागने दो। मैं आशा करता हूँ कि अच्छा लगेगा आप लोगों को। लेकिन हाँ, एक और आग्रह आप लोगों से है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, जिसे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं कविता बस जागने दो। उसने कहा, बहुत सोया अब तो जगो, बहुत ठगाया अब तो ठगो। मैंने कहा, अरे साहब, ठगने की हुनर मुझने कहा। हम तो सदियों से ठगाते आए हैं, आज भी ठगे जाते हैं, क्योंकि हम तो सोए होते हैं। ठगते तो वो लोग हैं जो सफेद पोश हैं अपनी भाषाई जादू बाणों से, और हम ठगे जाते हैं हर एक 5 साल पर। हम हलाल हो जाते हैं मेमने की तरह अपने भोलेपन पर। वादों की बाणों से लूट लिए जाते हैं हम, और जिसे हम चोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि चोर तो छिपकर चोरी करता है, ये तो सरेआम कर देते हैं करोड़ों का घोटाला। फिर भी जनता के महानायक होते हैं, उनका करम ही होता है फूट डालो शासन करो, क्योंकि अंग्रेजों की बिगड़ी हुई संतान जो है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर ठग लेते हैं हमारे अमूल्य वोट को। वहां भी हम जाति के खाट पर सोए होते हैं। ठगते हैं वे लोग भी जो पूंजीपति उद्योगपति होते हैं, अपने मकर जाल में उन करोड़ों मजबूर हाथों को, और शोषण करते रहते हैं उसके श्रम को। जब भी उठाते हैं हम अपनी गर्दन, सर कलम कर दिए जाते हैं। जब भी सुख भुगाता है कोई श्रमिक, दफन कर दिए जाते हैं हम। वहां भी हम बेवसी में सोए होते हैं। ठगते हैं वे लोग भी जो शीश महल में होते हैं, एक एक रात के लाखों रुपये पानी की तरह बहा देते हैं, और हम किसान सुबह से शाम तक रक्त जला कर भी हो जाते हैं एक रोटियों के लिए विरक्त। हम अपनी बहू बेटियों को ढक नहीं पाते हैं तन कपड़ों से, लेकिन वे लोग शौक से रखते हैं नंगे अपनी बेटियों को। मॉडल बनाते हैं वे गैर मर्दों के बाहों में नाचता देख उनकी माँ बाप खुश होती है। महान नायिका की हुनर देखती है वो। वे भी ठगे जाते हैं अपनी नजरों में जब हो जाता है कोई बलात्कार। वहां भी हम सोए होते हैं, और ठगती है मॉडल माएं भी अपने नवजात बच्चे को जब मुंह में ठूस देती है प्लास्टिक के नेपुल संग डब्बे का दूध। वहां भी बच्चा ठगा जाते हैं, क्योंकि वह तो अभी अभी का है। बड़े होने पर उस बच्चे को करते हैं इस्तेमाल अपनी तरह, रस्सी पकड़े रहते हैं कसकर जब तक बच्चा पंगू ना हो जाए, और माया जाल में फंसकर काट देते हैं उसके पंख, छोड़ देते हैं किसी शहर में जटाऊ की तरह तड़पने को। वहां भी कोई राम नहीं आता उधार करने, और हम मर जाते हैं ममता की नींद में। वहां भी हम सोए होते हैं। ठगते हैं वे लोग भी जो कौवे की पंख लगाए होते हैं अपनी कोयल जैसी मधुर वाणी से, मुलजिम और मुजरिम दोनों को तारीखों पर तारीखें रखकर खींचते रहते लंबी केसों को, जो की तरह चूस लेते हैं खून और पैसा उसकी भी, क्योंकि वहां भी हम मूर्खता क्रोध और नफरत में सोए होते हैं। ठगते हैं वे लोग भी जो दफ्तर में बैठे होते हैं अपनी शैतानी बुद्धि से निकाल लेते हैं पैसा सलामी के नाम पर, और हम लाचार होकर जल्दी काम कराने हेतु दे देते हैं एक मुश्त राशि। वहां भी हम अपनी लाचारी में सोए होते हैं। उसने उदास होकर पूछा, तो क्या तुम
सचमुच नहीं जागोगे? मैंने कहा, जागेंगे क्यों नहीं, हम कर रहे हैं इंतजार नए सवेरे की, उस अलौकिक घड़ी की जब हम होंगे संगठित और सबक सिखाएंगे उन भेड़ियों को जो आते हैं 5 साल पर। हम बताएंगे कि हम मेमने नहीं शेर हैं, महान भारत का कृषक सिर्फ श्रमिक शेर, हम जिसे चाहे बिठा सकते हैं गद्दी पर। हम उन्हें भी बताएंगे जो उद्योगपति हैं कि हम मजबूर हैं, कायर नहीं। जिस दिन रोक दिया काम करना करोड़ों हाथों ने, फिर एक बार हो जाएगा एक और औद्योगिक क्रांति। हमें उन्हें भी सबक सिखाना है जो ठगते हैं हमें और समाज को। एक दिन बहेगा रक्त, संगठित होने दो हमें, फैलाने दो शिक्षा की ज्योति, बस और बस मुझे जगने दो, मुझे जगने दो, मुझे जगने दो। तो यह कविता आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं इसी तरह का और कविता आप लोगों के पास लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।